अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे चपली कबाब। तो मैंने कीमा लिया है आधा किलो, इसे मैं ग्राइंडिंग कर रही हूँ अभी। और इसमें जाएगी प्याज, एक बड़ी प्याज ली थी मैंने और उसे चॉप कर लेता। धनिया आधा गड्डी, ये भी मैंने काट लिया है। और टमाटर लिया था मैंने एक बड़ा, उसके बीज निकाल के उसे भी चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून कुटा हुआ, और एक हरी मिर्च है उसे भी मैंने काट लिया है। एक अंडा जाएगा, कॉर्नफ्लोर ये 5 टेबल स्पून, एक से दो टमाटर जाएंगे ऐसे स्लाइस करेंगे, कुटी मिर्चें 1.5 टेबल स्पून, थोड़ा सा गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून। और ये इसमें मैंने तीन चीज़ें मिलाई हैं, जीरा 1 टेबल स्पून, धनिया साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, और काली मिर्चें 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को मैंने बारी बारी तवे पे भून दिया था। भूनने के बाद मैंने इसे पीस लिया है, 2 टेबल स्पून लिया है। इसमें मैं अंडा डाल दूंगी, अंडा डाल के इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे। देखिए जी, मैंने इसको एक दफा मशीन में चला दिया था, और मैं ये सारे मसाले इसमें डाल दूंगी, कॉर्नफ्लोर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन, प्याज, हरा धनिया, टमाटर में बाद में डालूंगी। ऑलिव ऑयल डालूंगी, वन टेबल स्पून। ये हमने मिक्स कर दिया है, मैं ऐसे रखूंगी आधे घंटे के लिए। देखिए जी, आधे घंटे के बाद मैं इसे देखती हूँ। अब मैं टमाटर डाल दूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसे रखूंगी नहीं, मैं इसके कबाब बना लूंगी। थोड़ा सा पानी लगाएंगे हाथ में, थोड़े से बड़े बनाएंगे, ये बना के को दबा देंगे। और इस साइड में ऐसे रख देंगे, ऐसे ही हम सारे बना देंगे। यह देखिए जी, मैंने एक पैन गरम कर रही हूँ और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये गरम। अभी मैं उठाऊंगी और इसे कर लूंगी।
ठीक है। ये देखिए जी, मैंने बना लिए सारे चपली कबाब। ये देखें, और मैंने टमाटर डाल के इसको नहीं रखा था। अगर आप लोग टमाटर डाल के इसको छोड़ देंगे तो टमाटर पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये पतला हो जाएगा। अगर कभी ऐसा हो जाए तो इसमें और कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा आप लोग। तो मेरा बिल्कुल सही रहा, क्योंकि मैंने इसको छोड़ा, टमाटर डाल के छोड़ा नहीं था। और इसके साथ मैंने चपाती रोटी बनाई है और हरी चटनी। तो ये बनाइएगा, बताएगा जरूर कैसा लगा। इसकी फरमाइश है, एक बच्ची ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, अस्मा नाम है इनका। तो ये आप बनाइएगा, अस्मा फिर आपके लिए बनाइए। आपने फेसबुक में मुझे मैसेज किया था, और ये ग्रीन चटनी और चपाती के साथ बनाइएगा, अच्छा लगेगा। और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा, कुकिंग विद शेर सैयद। और वेबसाइट भी है, उसे भी देखिएगा, cookingwithshersayed.com। और बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। अच्छा लगे तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।